Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, Seth R. M. Huiya, Graduate College, Ramgarh Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. बच्चों अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है बीएससी पार्ट थर्ड में ऑर्गेनिक डाइज सिंथेसिस ऑफ दैट इज सिंथेटिक डाइज. तो दिस इज अवर पार्ट सेवन नॉट सिक्स, दिस इज द पार्ट. दिस इज द पार्ट सेवन. इस पार्ट में आपके सिलेबस में जो डाइज हैं, मैंने उन्हीं को अपने ऑडियो विजुअल्स में बताने की कोशिश की है. नेक्स्ट डाई इसमें है, दैट इज इंडिगोटिन और इंडिगो, राइट? सो सिंथेसिस ऑफ इंडिगोटिन और इंडिगो. सो इट्स ए यू नो कलर ऑफ द डाई इज ब्लू वायलेट, नेवी ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर एंड वायलेट कलर, इनका कॉम्बिनेशन दिस ये कलर होता है इस डाई का. नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिगोफेरस पिंटोरिया. दिस इज द नेम ऑफ प्लांट, दिस इज द नेम ऑफ प्लांट, दैट इज इंडिगोफेरा पिंटोरिया. सो ये जो इंडिगोफेरा फेरस पिंटोरिया, इसमें इंडिकेन होता है एंड दिस इंडिकेन, व्हाट इज दिस इंडिकेन, इज द इंडोक्सिल ऑफ द ग्लूकोसाइट, राइट? मैं इसको आगे बताता हूं. ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट, दिस इज द ग्लूकोसाइट, दिस इज द पार्ट ग्लूकोसाइट, राइट? एंड दिस इज द न्यूक्लियस दैट इज इंडोल, दिस इज द इंडोल न्यूक्लियस, राइट? सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो व्हाट वी कैन से कार्बोहाइड्रेट एंड इंडिगो, दैट इज इंडोल, राइट? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसैकेराइड एंड इंडोल, राइट? सो द नेम ऑफ द प्लांट इज इंडिगोफेरस पिंटोरिया. इट्स क्लियर? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्लाइकोसाइड ऑफ इंडोक्सिन, क्लियर? तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये जो मिलता है दिस इज द प्लांट, तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडोक्सिन, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडोक्सिन. एंड इसमें ग्लूकोज व्हाट गोइंग ऑन, हाइड्रोलाइसिस, यहां पर ये सेपरेट हो जाता है जल अपघटन से. अब यहां पर ये जो इंडोक्सिन मिलता है, ये इंडोक्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स इंडिगो, लाइक दिस टाइप ऑफ डाई. एंड दिस इज यू नो वी गॉट इंडिगो एंड इंडिगोटिन एंड दिस द कलर ऑफ दिस डाई इज दिस इज ब्लू वायलेट, राइट? नाउ दिस इज द नेचुरल ऑकरेंस फ्रॉम द प्लांट्स, नेम इज इंडिगोफेरस पिंटोरिया, राइट? तो इस तरह से हम इसको नेचुरल फॉर्म में भी हम इसे प्राप्त करते हैं कि किस तरह से ये प्रकृति में पेड़ से जिसका कि नाम इंडिगोफेरस पिंटोरिया है उससे ये मिलता है. तो इट्स वेरी सिंपल, मैंने आपको ग्लूकोज पढ़ाया है, ग्लाइकोसाइड लिंकेज बताया है, वहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज फ्रक्टोज, वहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताया है, दिस इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट? सो व्हेन हाइड्रोलाइसिस इज गोइंग ऑन एंड फर्दर फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडोक्सिल प्लस ग्लूकोज, ओके? नाउ दिस इंडोक्सिल ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, टू मॉलिक्यूल ऑफ इंडोक्सिल ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गो टू देन फॉर्मेशन ऑफ दिस इंडिगो, इंडिगोटिंग ए ब्लू वायलेट कलर डाई. Now the second one is the laboratory synthesis. आपको ये जरूरी है कि आप इसमें naturally how we extract
from the plant, this endopsin, this indigotin, and you know the laboratory synthesis. So what we are using here? Anthranilic acid. So what is anthranilic acid? This is the aniline. This is the anilinic acid, right? So the name is, this is anthranilic acid. This is the anthranilic acid, right? And the name is here, this is alpha chloroacetic acid. So react with this, then formation, removal of this HCl and formation of this. Okay, now इसको यहां पर बहुत एक्सप्लेन सिंपल बच्चों, यहां पर रिएक्शन किसकी होगी? एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन. राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे पढ़ा होगा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एक्टिव हाइड्रोजन इन द 12th क्लास. वहां बहुत सारे एग्जांपल हैं, OH है, NH2 है, SH है, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर फॉर द एक्टिव हाइड्रोजन. सो रिमूवल ऑफ दिस HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, दिस on further cyclization. So how it undergoes cyclization? यहां पर ये जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसका ये जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, this will react with OH group and removal of this H2O, removal of H2O and formation of this CO, CH, COOH and this NH. Right? Now in this further, in the presence of the same reaction is going on in the round bottom flask. हम ये reaction जब करवाते हैं round bottom flask में, तो solution में further हम क्या देखते हैं? Removal of the CO2. इसको heat करते हैं, then removal of the CO2 and formation of endopsil, and this endopsil same reaction is going on here. This is and this. On further reaction with O2 and formation of indigotin, and it's a blue violet color dye. Clear? So this is the natural occurrence of indigotin or indigo, and this is the laboratory synthesis of indigotin or indigo. बच्चों, एक airlines का नाम है indigo, है ना? तो exactly the same color is there. यहाँ पर उस मैं आपको कलर आपको याद रहे इसलिए मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूं. इंडिगो इज द एयरलाइंस, तो उस एयरलाइंस में जो पर्पल ब्लू कलर है द सेम कलर इज हियर. ओके, नाउ सेकंड वन इज द फ्लोरोसीन. फ्लोरोसीन इज ए जेंथीन डेरिवेटिव. फाइन, सो फ्लोरोसीन इज ए जेंथीन डेरिवेटिव. नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? टू मॉलिक्यूल ऑफ रिसॉर्फिनोल प्लस वन मोल ऑफ फेरिक एनहाइड्राइड. ये सिंथेसिस मैंने जब आपको फिनोक्सिलीन बताया था, तो फिनोक्सिलीन में हमने क्या यूज किया था? हमने फिनोक्सिलीन में इसको यूज किया था. वी यूज टू मोल ऑफ फिनोल विथ फेरिक एनहाइड्राइड. नाउ व्हाट वी आर यूजिंग हियर इन द फ्लोरोसीन, वी आर यूजिंग दिस रिसॉर्फिनोल. This is metahydroxyphenol, right? So the name is resorcinol. When resorcinol reacts with phthalic anhydride at 200 degree centigrade, then removal of two molecule of like this. मैं आपको एक चीज बता दूं कि this is the इसको correct करना है, right? यहां पर यदि मैं इसको नहीं लगाता हूं तो ये क्या बन गया? फिनोक्सिलीन, राइट? बट यहां पर इसके लगाते ही दिस इज द फ्लोरोसीन. लिखते समय आप इस बात का ध्यान रखें. सो टू मॉलिक्यूल ऑफ रिसॉर्फिनोल रिएक्ट विथ फेरिक एनहाइड्राइड, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ टू मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्लोरोसीन. नाउ फ्लोरोसीन यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ये फ्लोरोसीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, सो दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, सेम रिएक्शन एज इन द फिनोक्सिलीन, सेम मैकेनिज्म, नॉट रिएक्शन, सेम मैकेनिज्म एज इन द फिनोक्सिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, व्हाट इट विल डू,
so that these electrons shifted here. Okay, now here this is the, so that what's going on, these electrons shifted here, this shifted here, this shifted here, and this shifted here. So this is the formation of anion. This is the formation of anion, and this is the क्यूनॉइड स्ट्रक्चर. जैसे मैंने आपको बताया था बेंजोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन, एंथ्राक्विनोन, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ क्यूनॉइड स्ट्रक्चर, राइट? तो दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट. ओके, नाउ व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, बाय सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर, जैसे कि फिनोल्फथालीन में हो रहा था, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर. How these electrons shifted here in the presence of alkali? Again the same way. यहाँ पर H plus निकलेगा, यहाँ पर ये electron इधर shift होंगे, these shifted here, then shifted here, next shifted here, then this here. Okay? This is the negative charge. यहाँ पर suppose this is the negative charge, right? So that यहाँ पर क्या होगा? When this shifted here, these electron, this pi electron shifted on oxygen, then negative charge and formation of this. Again, cunoid structure. So these are two cunoid structure of fluorocene, जो कि responsible for the color. मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि यहां पर valence bond theory जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें एक बात मैंने आपसे कहा था कि unsaturated bonds जो conjugation में होते हैं अर्थात alternative होते हैं, संयुग्मी द्विबंध इन यौगिकों में उपस्थित होते हैं, और जब विजिबल रीजन की लाइट इन पर गिरती है तो वो जो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहां पर इस तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, उस लाइट में से एक कलर का एब्जॉर्प्शन होता है, एंड द रिमेनिंग सेवन कलर लाइट इज द व्हाइट लाइट इन द विजिबल रीजन. और इसमें जब एक कलर की लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो एक कलर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन से मतलब क्या है, इस तरह के रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर्स का बनना, क्यूनॉइड स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन. एंड जो सिक्स कलर्स की लाइट मिक्स होकर के रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज द कलर ऑफ दिस कंपाउंड. सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ डाइज. नाउ व्हेन फ्लोरोसिन डिसॉल्व इन बेस इट गिव्स रेड ब्राउन कलर. क्लियर? व्हेन दिस डिसॉल्व इट गिव्स रेड ब्राउन कलर. नाउ एंड फर्दर ऑन डिसॉल्व and dilution with water, it converts into green yellow color, right? जैसे इसको हम पानी में से dilute करेंगे, water से dilute करेंगे, तो it gives एक color बनता है, yellow green color formation होता है, that is एक मतलब you know एक जो shades का formation होता है, so this is the chemistry of यहाँ पर इस तरह से green yellow color का एक combination हम फ्लास्क में देखते हैं. तो ये ड्यू टू दिस ऑन डाइल्यूशन ऑफ वाटर एंड कलर, सो द कलर चेंज इन फ्लोरोसिन. सो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट डाइस. इसमें दो लेक्चर्स अभी तक मैंने सिंथेटिक डाइस के सेवन लेक्चर्स अपलोड किए हैं, एंड ये सेवन लेक्चर्स आपके सिलेबस के हिसाब से सफिशियंट है. लेकिन मैं इसमें इन फ्यूचर जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दो तीन लेक्चर्स और अपलोड करूंगा, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहां पर चेंज ऑफ द कलर होता है. एक बात मैं यहां डिस्कस करना चाहता हूं, बच्चों this is the indole and this is the ortho amino phenol, this is the ortho amino phenol. bachcho actually hota ye hai, this is the CHO group and this is the NH2 group, aur yahan par removal of water molecule and formation of this bond. yahan par
जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ शिफ्ट बेसिस। क्लियर? ड्यूरिंग पीएचडी व्हेन आई वाज डूइंग माय डॉक्टरेट, मैं एक पेंट एक्सटीरियर पेंट्स इंडस्ट्री, द नेम वॉज इस्नोसेल इंडिया लिमिटेड, आई वॉज देयर। मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंस बता रहा हूं डाइस का, कि ये जो टॉपिक्स हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है चाहे वो इनोलेट्स है, क्योंकि इनोलेट्स के अंदर भी फॉर्मेशन ऑफ मेन्योर्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीपाइलिन एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स वी प्रिपेयर देयर, राइट। तो बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस में जो जिन टॉपिक्स को मेंशन किया गया है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं। मैं जब व्हेन आई वाज यू नो अपीयर इन द इंटरव्यू ऑफ इस्नोसेम इंडिया लिमिटेड, दैट इज दैट फॉर्म्स एक्सटीरियर यू नो पेंट ऑफ द हाउस, पेंट और कलर ऑफ द हाउस, जो सीमेंटेड कलर्स होते हैं, मैंने वहां पर दिस वॉज माई यू नो वी आई यूज दिस सॉर्ट ऑफ यू नो मेरा जो पीएचडी है दैट इज इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो आई यूज ऑर्गेनिक लिक्विड लिगेंड्स विद नियोबियम मेटल, नियोबियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, दिस वॉज माई टॉपिक। मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों कि मेरा अपना एक ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जितनी बार भी इस कंपाउंड को बनाया कभी इसका कलर लाइट ग्रे था, कभी इसका कलर लाइट येलो था, कभी इसका कलर लाइट पिंक था, समटाइम्स लाइट रेड। फाइन, मैं जब इस लिगेंड को फॉर्म करता था मेरी लैब में, व्हाट आई मैं देखता क्या था कि हमेशा इसका कलर डिफरेंट बनता था, मुझे बड़ा अचरज होता था। मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालता था तो मेल्टिंग पॉइंट सेम आता था जो आना चाहिए। उसके बाद इसका हम स्पेक्ट्रा निकलवाते थे, सो वी यूज यू नो आईआर स्पेक्ट्रा और एनएमआर स्पेक्ट्रा, वो भी क्लियर आता था। तो ये जो शेड्स में फर्क आता था, ये जो शेड्स में फर्क आता था, सो माय पीएचडी गाइड पास उन्होंने उसको देखा, बार बार देखा यार ये कैसे इस तरह से इसके अंदर वेरिएशन हो रहे हैं, एंड द रीजन वॉज माय डियर बच्चों, ये जो था ये रीजन था इसका, यहां पर दिस इज द क्रोमोफोरिक सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हियर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट। एक बात तो ये थी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि दिस वॉज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि जब भी मैंने इस लिगेंड को फॉर्म किया हमेशा इसका एक डिफरेंट शेड बनता था, और वो डिफरेंट शेड बनता था तो आई वॉज स्टूडेंट, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट गोइंग ऑन, व्हाट इट हैपेंस, लेकिन मैं जब इसके एनालिसिस करता था तो एनालिसिस इसके करेक्ट आते थे। हम मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा लेते हैं इसका, एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो हम देखते जाते हैं इसका सारे के सारे पैरामीटर सेम है, राइट। बट माय गाइड प्रोफेसर जोशी, उन्होंने बताया कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि जब आप इसको बनाते हैं तो इसका टाइम नोट करो। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने 7 PM के बाद बनाया फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट, मैंने इसको इन द आफ्टरनून प्रिपेयर किया, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस, सपोज मैंने इसको मॉर्निंग में बनाया, देन फॉर्मेशन ऑफ दिस, लाइक सो what I feel this chromophoric system conjugation of the double bonds is responsible for the color। और बच्चों इस केमिस्ट्री को मैंने इस्नोसेम इंडिया लिमिटेड में इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक्सप्लेन किया, एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन इस्नोसेम इंडिया लिमिटेड। सो what I am saying, एक सिंपल सी बात है कि हमें हमारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, वहां पर भी हमारी ये स्टडीज
जो हम कलर्ड पढ़ रहे हैं, कलर डाइस पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने कई बार इस लिगेंड को बनाया और मैंने इसको ऑब्जर्व किया, कभी व्हाइट कलर का बना, कभी ग्रे कलर का बना, कभी लाइट येलो कलर, कभी लाइट पिंक कलर, कभी डार्क रेड कलर, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड बट इट हैपेंस। एंड अल्टीमेटली मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे बताया कि भाई दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज यहां पर ये कॉन्फिगरेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, सो दैट इट डिपेंड्स ऑन टाइम, उस टाइम पर लाइट कैसी है, विजिबल लाइट कैसी है, उस पर ये डिपेंड करेगा और इस वजह से इसके अंदर चेंज ऑफ कलर होता है। मैंने आज चूंकि ये डाइस का चैप्टर पढ़ाया है तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है और ये दिस वाज माय मेनी टाइम्स आई डिड दिस 8 to 10 टाइम्स आई प्रिपेयर्ड दिस लिगेंड क्योंकि लगता था ये शायद गलत बन गया। तो एक और छोटा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ड्यूरिंग यू नो माय पीएचडी टाइम मुझे टीचर ने कहा कि आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लेके आइए, राइट। मैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक ग्लास के बीकर में लेके और लैब में रख करके उसे मैं चला गया। एंड टुमारो व्हाट आई सीन, देयर इज नो बीकर देयर, ना तो कोई बीकर मिला, वहां पर एक लिक्विड फैला हुआ था। एंड आई शॉक्ड, मैंने सबसे पहले लैब के ताले देखे, लॉक्स इंटैक्ट थे, सब ताले बंद थे। मैं बहुत परेशान था कि मैं लैब में रख के गया था लेकिन वो गायब कहां हो गया। मेरे टीचर ने मुझे आते ही पूछा, मैंने कहा सर मैं ऐसे तरह से बोरोसिल के एक बीकर के अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का 100-150 ml मैं रख के गया था। तो बोले ग्लास इज सॉल्युबल इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, आपको इसको प्लास्टिक के बर्तन में रखना चाहिए। सो समटाइम्स हम देखते क्या है, लेबोरेटरी में कुछ बॉटल्स डार्क ब्राउन होती हैं, कुछ व्हाइट होती हैं, एंड जनरली डार्क ब्राउन होती हैं, राइट। और बहुत सारे केमिकल्स तो किसमें आते हैं, पीवीसी वेयर्स के अंदर आते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी के ऊपर। मेरा एक पर्सनल लैब का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक, सो डाइव इज ओवर, थैंक यू।